भाई एक नंबर बिल्कुल। पावर है ना, हाँ बहुत पावर है। हे गाइस वेलकम बैक टू द संदीप ट्राई टीवी। मेरा नाम है संदीप फ्रेंचर। आज की वीडियो में खतरनाक वाली अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। यार सोचो जरा इस बॉक्स में क्या हो सकता है। तुम्हारा भाई कोई छोटी मोटी चीज तो तुम्हारे लिए लेके आता नहीं है, जब भी लाता है कुछ अच्छा ही लाता है। यार आज थोड़ा रोड के बाजू में हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना यार। इस बॉक्स के अंदर क्या है आज हम इस बॉक्स की करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। इसके साथ में करेंगे इसके अंदर क्या रखा हुआ है इसकी करेंगे टेस्टिंग। और यार भाई ये प्रोडक्ट का आज करेंगे गिव अवे आप लोगों के लिए। ये वाला प्रोडक्ट आज आप लोगों को मिलने वाला है। चलो यार गाइस फटाफट से इसका गिव अवे का रूल है, मात्र 300 लाइक का टारगेट है। आप लोग यदि 300 लाइक कर देते हो तो आप लोगों को ये वाला प्रोडक्ट गिव अवे के तौर पे मिल जाएगा। गिव अवे इसका प्राइस की बात करूं तो हमने आज मंगवाया जो प्रोडक्ट इसका प्राइस है 375 रुपये। आप लोगों में से यदि कोई खरीदना चाहे नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर रखा हुआ, वहां से जाकर मुझसे खरीद सकते हो। चलो गाइस फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो यार अभी सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमने हमारी ये डीजे पिकअप हमारी आरसी कार कहाँ से खरीदी। तो यार गाइस इसको हमने ख़रीदा है बाहर से और यार इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई साहब। देखो तो यार यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा इसकी पैकिंग मुझे गड़बड़ लगी, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसको हमने 375 रुपये में परचेज़ किया था और इसके लिए हमने डिलीवरी चार्जेस लगभग 250 रुपये अलग से पे किए थे, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई। देखो तो यार हमारी पिकअप के बॉक्स का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। आते आते पिकअप का बॉक्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, लेकिन हमारी पिकअप एकदम इसके अंदर मुझे फुल विश्वास है कि बिल्कुल ज़्यादा सही होगी। इसका यार साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आप लोगों में से यदि कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे के रखा है। यार देखो यार पिकअप का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुझे विश्वास नहीं था कि इसका बॉक्स इतना ज़्यादा बड़ा आएगा। मैंने तो छोटा सा सोचा था कि छोटा पीस होगा, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा निकला। चलो भाई फटाफट से हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो चलो यार गाइस फटाफट से हम इसे अनबॉक्स कर देते हैं। यार यहाँ पर देखो मैंने इसमें इस तरीके से कटर मार दिया भाई। ये देखो ये हमारा टेप यहाँ से कट चुका है। ये यार काफ़ी ज़्यादा इसमें टेप अच्छा लगाया हुआ है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी पैकिंग की गई है। देखो यार यहाँ से मैं इसको भी फटाफट से अनबॉक्स कर देता हूँ। सबसे पहले यार गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखो यार इसके अंदर कैसा भर भर के माल भरा हुआ है, ज़रा तुम यहाँ पर देखोगे पास में तो तुमको समझ में आएगा। यार भाई फटाफट से देखो यार इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर कागज़ भरे हुए हैं। सबसे पहले मैं इन कागज़ को बाहर निकाल के किनारे कर दे रहा हूँ, जिस कारण से फटाफट से अपनी थोड़ी बहुत जगह बन जाए। और यार इसके अंदर मैंने देखो इसके पूरे कागज़ को निकाल दिया है। और यार इसके अंदर से मिलती है हमें इस तरीके की हमारी डीजे पिकअप। देखो यार कितनी प्यारी डीजे पिकअप यहाँ पर ये देखने के लिए लग रही है। अभी इसको बॉक्स को मैं किनारे कर दे रहा हूँ। इसके बॉक्स में अभी सिर्फ और सिर्फ पेपर ही पेपर भरे हुए हैं। अभी फटाफट से उठा के इसके बॉक्स को किनारे कर देंगे। तो यार भाई ये है हमारी डीजे पिकअप और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी डीजे पिकअप यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाली है। इस तरीके की पन्नी के साथ में पैक होकर हमें देखने के लिए मिलती है। और यार काफ़ी ज़्यादा लुक में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमारी ये वाली पिकअप होने वाली है। इसके अंदर यार यहाँ पर चार व्हील लगे हुए हैं। फटाफट से हम लोग इसकी पन्नी से इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखो यार इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल पन्नी का यूज किया था, काफी बड़ा इसका साइज है। ये पिकअप छोटी नहीं है भाई, इसको छोटा समझने की गलती मत करना। ये पिकअप का साइज काफी ज्यादा बड़ा यार है। देखो इसके अंदर यहाँ पर चार व्हील दिए हुए हैं, इस तरीके से इसके अंदर भी व्हील दिए हुए हैं, इस तरीके से पीछे भी इसका एक स्टीकर यहाँ पर मिसिंग है भाई। काफी प्यारी यहाँ पर हमारी ये बोलेरो लग रही है। बोलेरो मतलब काफी ज्यादा पावरफुल है यार। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसके अंदर काफी ज्यादा वेट हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही है भाई। इसका साइज मुझे यहाँ पर इसका फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी दो लाइट का स्टिकर दिया हुआ है, यहाँ पर इसका बोनट दिया हुआ है, यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला एंड एक और भी उनका स्टिकर जो कि यूट्यूब में एक थंबनेल है वो बना हुआ है। इस तरीके से यार आप लोगों को हमारी ये पिकअप देखने के लिए मिलती है। यार ये एक बोलेरो है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यार। इसके ऊपर कितना भी वेट रख दो ये आराम से उस वेट को खींच कर ले जाती है। चलो भाई फटाफट से हम इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। Thank you.
पावरफुल है। हाँ बिल्कुल। फिर बैठ जाओ। बैठा ही है। अच्छे से बैठ जाओ। अरे एक नंबर के बैठे हैं तरीके से। हाँ बिल्कुल। सामने से बैठो। अच्छा चप्पल उतार के रखना उसके ऊपर पाँव। पूरी वीडियो बनाओ। कैसा है ये? बहुत ज्यादा पावरफुल है गाइस। मैं इसके ऊपर देखो टोटली चढ़ चुका हूँ एकदम तुम्हारे ऊपर और चढ़ के खूब तेज हिल भी रहा हूँ। अगर पीछे से कोई मुझे सच बताऊं धक्का देने वाला होता तो ये चल भी जाती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अरे चल जा चल जा। ये देखो भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई। देखो जब मैं इसके ऊपर बैठा था ना देखो यहाँ पर इस तरीके से गड्ढे बन गए थे। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भाई। अगर इसको कोई मुझे धक्का देना तो ये चल जाएगी। चलो मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करता हूँ और उसके बाद में हम लोग इसमें बैठ के इसको ट्राई करते हैं। अरे कतई जहर कतई जहर लगा 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 लगा। गाइज इसके ना यहाँ पर ना रेत डली हुई। यहाँ पर हम लोग रेत पे इसको ट्राई कर रहे थे तो इसके व्हील्स ना यहाँ पर पूरे इस तरीके से घुस जाते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर ये चल नहीं रही। लेकिन यार मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक इंसान का वजन आराम से ले जा सकती है।